बैक टू माई चैनल। सो व्हाट्सअप के फैम, क्या कर रहे हो सब। सो आज की जो वीडियो होने वाली है वो आपने बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट की थी, जो कि है मेकअप कलेक्शन वीडियो। सो मेरे पास जितना भी मेकअप है वो आज आपको दिखाने वाली हूँ। एंड मेरे पास इतना ज्यादा मेकअप नहीं है, बहुत ही कम मिनिमल मेकअप रखती हूँ मैं। आपको एकदम रॉ ऑथेंटिक इंडियन देसी वर्जन देखने को मिलेगा कि कैसे मैंने मेकअप रखा हुआ है, क्योंकि आई डोंट हैव एनी वैनिटी राइट नाउ। जो मेरे को बनानी है इन फ्यूचर बना लूंगी, बट अभी जो मैं जैसे रखती हूँ मैं आपको सब दिखाने वाली हूँ। बहुत ही ज्यादा विंटेज वाली फील आने वाली है मेरी तो, मतलब मुझे बहुत पसंद है पुरानी चीजों में स्टोरेज करना। सो लेट्स गो एंड देखते हैं मेरा मेकअप कलेक्शन, जो कि बहुत ही कम है, बट आपने जैसे रिक्वेस्ट किया है तो मैं दिखाऊंगी। और सबसे बड़ी बात, सब्सक्राइब कर दो, लाल बटन यहाँ पे है उसको दबाओ एंड नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबा देना। एंड अब चलते हैं अपनी वीडियो पे। ओके लेट्स गो। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यही है सब मेरे पास जो भी मेकअप है। तो सबसे पहले शुरू करती हूँ मैं इससे। सो ये जो है ये मेरे को पीआर में मिला था कैल लॉस एंजलिस का। एंड ये है लिपस्टिक्स, पूरी की पूरी लिपस्टिक्स हैं। एंड कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 लिपस्टिक्स हैं। बहुत ही प्रिटी शेड्स के साथ आती हैं। आपको अगर इसके स्वॉचेस देखने हैं तो आप इंस्टाग्राम आईडी पर जाओ, मैंने वीडियो बना रखी है, तो आपको हेल्प मिल जाएगी अगर आपको ये लेनी है। सो ये था लिपस्टिक का एक पैक पूरा। उसके बाद आई गॉट दिस पीआर फ्रॉम मेबेलिन एज वेल। एंड इसमें मैं आपको अभी खोल के दिखा देती हूँ। तो इसमें ना फाउंडेशन और लिप शेड्स आए थे, एंड मैं खुद शूट कर रही हूँ तो समझा करो के निकल जा। सो इसमें सब यही है, फाउंडेशन शेड्स हैं और लिपस्टिक शेड्स हैं। रुको मैं इसको खोल ही देती हूँ। ओके, बड़ी मेहनत करने के बाद मैंने फाइनली इसको निकाल लिया है। सो इसमें बताऊँ क्या है, इसमें ना फाउंडेशन शेड्स थे कुछ 5 एंड 4 लिपस्टिक शेड्स। और ये वाली लिपस्टिक का शेड बहुत ही प्यारा है गाइस, बेयर इट ऑल है ये, आप देख सकते हो। अगर आपको लेनी हो तो नायका से ले लो, बहुत ही प्यारी शेड है। एंड ये भी बहुत ही प्यारी शेड थी। सो ये 4 लिपस्टिक्स एंड फाउंडेशन, जो कि मैंने भी यूज़ नहीं किया फाउंडेशन, लिपस्टिक फिर भी मैंने यूज़ कर लिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पैलेट पे, जो कि ये है। के पैलेट से बढ़ने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ फाउंडेशन जो मैं यूज़ करती हूँ। सो पहला फाउंडेशन जो मैं यूज़ करती हूँ ये फिट मी का है, मेबेलिन का। एंड ये बहुत ही कॉमन, आपको पता होगा, इसका शेड है 128 वार्म न्यूड, यही मैं यूज़ करती हूँ। सो ये पहला फाउंडेशन है जो मेरे पास है। और जो दूसरा फाउंडेशन है वो ये है, ये भी मेबेलिन का है, सुपर स्टे 24 आवर्स फुल कवरेज फाउंडेशन। ये थोड़ा मैट में आ जाता है एंड मेरी ड्राई टू नॉर्मल स्किन है तो मेरे को तो सूट करता है। तो मेरे पास बस ये 2 ही फाउंडेशन है, मैं कोई भी इतने सारे फाउंडेशन लेके नहीं रखती, आपको जैसे कि दिख रहा है। ओके, सो ये जो तीसरा प्रोडक्ट है ये मैंने लिया था, ये प्राइमर है, हाईलाइटिंग प्राइमर। सो ये आपको अगर ड्यूई मेकअप करना है तो उसमें हेल्प करता है एंड बहुत ही अच्छा है, बहुत सस्ता भी आता है और इसका फॉर्मूला भी बहुत ही नाइस है गाइज। और इसका शेड 01 है। सो या, दिस इज़ हाईलाइटिंग प्राइमर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसको मानो इसको यहाँ रख देती हूँ। सो ये भी मुझे पीआर में मिला था, ये लैक्मे के लूज पाउडर्स हैं। आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव सो मैनी पीआर प्रोडक्ट्स। सो ये लैक्मे का रोज पाउडर है विथ सनस्क्रीन। इसके 2 शेड्स हैं, दोनों मेरे को मिले थे। सो ये लूज पाउडर है, ये मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करती, आई यूज़ फिट मी वन ज़्यादा। एंड ये अब पैलेट है जो कि मेरे को इंस्टाग्राम पेज ने भेजी थी। सो आप इसकी भी वीडियो मैंने बना रखी है, IGTV वीडियो इंस्टाग्राम पे, तो आप देख सकते हो। सो इसको खोलें, चलो खोलते हैं, खुल जाओ। सो ये ऐसी ऐसी है कुछ। ओके, मेरी बस वाइट बेडशीट ना गंदी हो जाए। सो ये मैं हूँ और ये पैलेट है। सो इसमें ना बहुत ही प्यारे शेड्स हैं, इसकी ये निकालने दो। सो जैसे कि आप देख सकते हो इसमें इतने सारे शेड्स हैं और ये बहुत ही प्रिटी पिगमेंटेशन के साथ भी आता है। सो ये सारे ग्लिटर शेड्स हैं, ये सारे ग्लिटर शेड्स हैं और न्यूड्स भी है, ऑरेंज में भी है, पर्पल ब्लू सब है, ग्रीन सब है। सो ये एक पैलेट है, बट मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती क्योंकि इतना ज़्यादा बड़ा पैलेट है। सो मुझे थोड़ा इशू हो जाता है एंड मैं ज़्यादा न्यूड मेकअप लुक करती हूँ। सो या, ये मेरी पैलेट थी जो कि मुझे इंस्टाग्राम पेज ने भेजी थी। ये है जी आई गेस ग्लैम विस्ता कलर्स मेगा पैलेट आई शेडो प्रोफेशनल मेकअप। सो आप देख सकते हो मेरी इंस्टाग्राम पे जाके, आपको वहाँ पे मेंशन हो जाएगा सब कुछ। सो ये थी पैलेट। अब बढ़ते हैं इस पे। सो ये अगर आप इंडियन फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर आपको शादी वादी का कुछ आता है डब्बा वब्बा, तो उसको यूटिलाइज करना हो तो मुझसे सीख सकते हो। और इसकी मैंने हालत खस्ता कर दी है क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ होता है एंड ये मेरे सामने ही रहता है।
सो ये ऐसे खोलूँगी तो यहाँ पे मेरा असली माल है जो मैं ऑलमोस्ट एवरी डे नहीं बोलूँगी, मैं कहीं जाती नहीं उतना, बट अगर मैं कहीं जाऊँ तो मैं ऑलमोस्ट यहीं से सब कुछ यूज़ करती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं ये अच्छा खासा शादी का डब्बा है, यहाँ पे झूमर लटके हुए हैं और ये देसी वर्जन है। सो आप भी ऐसे कर सकते हैं अगर आपके पास वैनिटी नहीं है। मैं अभी वैनिटी बनाऊँगी जो मैंने सोच रखी है, सो तब तक के लिए मैंने ऐसी रखा हुआ है, बेस्ट लगता मुझे एकदम मस्त से। तुम अपना मेकअप रख सकते हो। ओके आई एम गोना डाई, मैंने व्हाइट बेडशीट पे आई शेडो गिरा दिया एंड मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। वेट ओके, तो मैंने अभी कुछ छेड़ा नहीं है, जब मैं ख़त्म करूँगी वीडियो तब बेडशीट झाड़ूंगी तभी निकलेगा, तब तक ही यहीं पर है तो अच्छा रहेगा, इसको मैं बिल्कुल छेड़ने नहीं वाली। सो मैं आपको पैलेट दिखा देती हूँ। सो ये पैलेट है वेट एंड वाइल्ड की रोज़ इन द एयर शेड, इसका है, मैं इसको घुमाऊँगी तो और करेगा, रोज़ इन द एयर शेड है, ये बिगनर्स फ्रेंडली है एंड मैं इसको वहाँ रख देती हूँ क्योंकि मैंने मरना नहीं है अपनी बेडशीट को ख़राब करके। अब बढ़ते हैं ब्लश पे। सो मेरे ना मोस्टली जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारे वेट एंड वाइल्ड के होंगे, ये इन द शेड मेलो वाइन है। सो ये कुछ ऐसा दिखता है, ये बहुत ही प्रिटी है, बहुत ही ज़्यादा प्रिटी शेड है, कोरल शेड है। सो ये वेट एंड वाइल्ड का मेलो वाइन है। ये मेरे पास एक ब्लश है और जो दूसरा ब्लश है वो मैंने कहीं और रखा है तो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। सो ये ब्लश है। सो ये जो है कॉन्टोरिंग पैलेट है, इसमें बनाना पाउडर आता है एक साइड एंड एक साइड आता है कॉन्टोर के लिए एंड ये बहुत ही बटरी सॉफ्ट पिगमेंटेड आता है एंड इट्स इन द शेड कैरामल टॉफी एंड ये बहुत ही प्यारा है गाइज। अगर आपको अफोर्डेबल चाहिए ना तो ये ले लो जाके, बिना डाउट कुछ भी मतलब रखो ही ना ले लो जाके। ओके सो मुझे लग रहा है मैं ना ऑफिशियली पिटने वाली हूँ मम्मी से, क्योंकि आप देख सकते हो मैं और गिराई जा रही हूँ क्योंकि वो बिखर चुका है पैलेट उसके अंदर एंड जब भी मैं प्रोडक्ट्स उठाती हूँ वो इस पर गिरता है, मतलब क्या चल रहा है। ओके फाइन, सो मेरे पास जो प्राइमर है वो ये है, लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर एंड ये था वेट एंड वाइल्ड का। ये मैट में आता है, ये नॉर्मल है नॉर्मल स्किन के लिए एंड मेरे पास एक और है वो है ये इनसाइड का प्राइमर, जैसे कि आप देख सकते हो एंड ये दोबारा गिरा गया। सो ये इनसाइड का प्राइमर है 3-in-1, ये मुझे ओकेश लगा, इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, अभी फ़िलहाल मैं लैक्मे का यूज़ कर रही हूँ। बात करें हाइलाइटर्स की तो मेरे पास सिर्फ 2 हाइलाइटर्स हैं, एक है ये मेबेलिन का मास्टर क्रोम जो कि गोल्ड शेड में आता है और एक है वेट एंड वाइल्ड का फ्रेशेस पेटल जो कि पिंकिश टोन में आता है। सो आई एम गुड टू गो विद दीज 2 प्रोडक्ट्स ओनली, आई डोंट लाइक दैट मच ऑफ हाइलाइटर टू बी ऑनेस्ट, सो मेरा काम बन जाता है। सो मेरे पास ये सिर्फ 2 ही हैं और ये बेस्ट हैं। तो बात करें कंसीलर की तो मेरे पास 3 कंसीलर हैं, एक है एले प्रो कंसील द शेड प्योर बेज, ओके, एंड ये जो मैंने रिसेंटली लिया था मिस क्लेयर का फेक इट का 04 शेड एंड दिस इज द मेबेलिन वन, इट्स इन द शेड मीडियम। सो ये 3 कंसीलर है जो मुझे बेस्ट लगे अब तक के एंड एक और कंसीलर था जो कि अभी वो ख़त्म हो गया है, वो है वेट एंड वाइल्ड का, वो भी मेरे पास है, मतलब था, अब मेरे को दोबारा लेना पड़ेगा। सो यही कंसीलर है जो मैं यूज़ करती हूँ। ओके सो ये रहा वो कंसीलर, मुझे अभी मिला, मैंने अभी ढूंढा, इतना सब कुछ है तो उसमें से गायब ही हो गया था, बट ये है वेट एंड वाइल्ड का कंसीलर एंड ये कौन से शेड में है, लाइट मीडियम बेज। सो या ये कंसीलर थे, आपने अभी देख लिया होगा। ओके टू बी ऑनेस्ट मुझे आज तक सिर्फ एक ही अच्छा लगा है मस्कारा, जो कि ये है लैश पैराडाइज बाय लॉरेल पैरिस एंड इट्स रियली गुड। ये आपके लैशेस को इतना अच्छे से कर्ल करता है, वॉल्यूम देता है एंड वाटरप्रूफ है। सो यही है मेरे पास एक मस्कारा जो कि मैं यूज़ करती हूँ। और लाइट लिपस्टिक्स दिखाने से पहले मैं आपको छोटी मोटी चीज़ें दिखा देती हूँ। सो ये मेरे पास लाइनर है लैक्मे का एंड ये मेलियो, ये मैंने PR करा था बहुत टाइम पहले, सो उसका है ये लाइनर एंड इट्स ऑल्सो क्वाइट गुड एंड आफ्टर दैट आई हैव दीज लाइनर्स, जेल लाइनर्स। सो पहले तो ये लैक्मे का आईब्रो पेंसिल है, ये अनयूज्ड अभी तक एंड मुझे अभी पता चला कि मेरे पास ये भी है। ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है गाइस, मैंने बिल्कुल साफ नहीं करी थी, आपके सामने निकला है सब कुछ। एंड ये जो है ये शायद से लॉरियल का है, या लॉरियल का जेल क्रियॉन 24 आवर वाटरप्रूफ जेल लाइनर है, ये बहुत ही बहुत स्मूथ है ये। ऑलराइट सो आफ्टर दैट आई हैव दिस लैक्मे आइकॉनिका जेल शेड ग्रीन एंड ये बहुत ही क्लासी लगता है, आप सिर्फ इसको लगाओ एंड बीच में मतलब कुछ भी एड ऑन करने का जरूरत नहीं है, सिर्फ लिपस्टिक लगाओ एंड यू आर गुड टू गो एंड दिस इज़ दी के ब्यूटी काजल
सो ये बहुत ही प्यारा काजल है, ये भी मुझे बहुत पसंद आया। ओके सो मूविंग ऑन टू आवर लिपस्टिक कलेक्शन, मेरे को लिपस्टिक्स का बहुत शौक है, ठीक है, ज़्यादातर न्यूड्स एंड पिंकिश न्यूड्स में ही लिपस्टिक लेती हूँ। सो मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरी बहुत ही कम लिपस्टिक कलेक्शन। सो पहला लिपस्टिक जो है मेरे पास वो ये है Maybelline Superstay Matte Ink इन द शेड 175 रिंग लीडर, एंड ये बहुत ही प्यारा शेड है, बट ये बहुत हैवी है लिप्स पे एंड थोड़ा सा ना क्रस्टी हो जाता है, ये बहुत ही प्रिटी शेड है तो मैंने ये ले रखा है। आफ्टर दैट आई हैव दिस वेट एंड वाइल्ड की गिव मी मोका, एंड ये बहुत ही प्यारा शेड है गाइज, आपको ये ज़रूर लेना चाहिए। सो ये शेड जो है ना ये मैंने कॉलेज टाइम पे लिया था फर्स्ट ईयर में, एंड मेरा अभी तक ये फेवरेट शेड है, आप जैसे कि देख सकते हो ख़त्म ही हो गया ऑलमोस्ट, एंड ये बहुत ही प्यारा शेड है, मुझे बहुत पसंद है, पीची टोन में आता है, मेपल मैप आई गेस इसका शेड मुझे याद है। सो या दिस इज़ अ वेरी गुड शेड फॉर कॉलेज गोइंग गर्ल्स एंड फॉर लाइक जिसको बहुत ही सटल लिप शेड्स पसंद है उसके लिए बहुत ही अच्छा है। एंड आफ्टर दैट आई हैव दिस लैक्मे एब्सोल्यूट का मैट मेल लिक्विड लिप कलर इन द शेड न्यूड हिट, दिस इज रियली अ वेरी प्रिटी शेड एंड इट विल सूट ऑल इंडियन स्किन टोन्स। ओके सो ये जो नेक्स्ट शेड है ये है टच ऑफ स्पाइस Maybelline न्यूयॉर्क, एंड ये भी बहुत ही प्रिटी मूविश शेड है, बहुत प्यारा शेड है गाइस, बहुत ज़्यादा प्यारा शेड है, ये मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया है, आई डोंट नो पता नहीं क्यों नहीं किया है, मेरे को करना चाहिए। ऑलराइट आफ्टर दैट आई हैव दिस निका के का ट्रू मैट लिपस्टिक इन द शेड टर्किश रोज, अगेन इट्स मैट एंड इट्स रियली गुड। ओके इसके बाद मैंने ये अभी रिसेंटली लिया था लैक्मे का फॉर एवर मैट लिक्विड लिप कलर इन द शेड 19 न्यूड ट्विस्ट, सो ये बहुत ही परफेक्ट ब्राउन एंड पीची टोन में आता है, बहुत ही प्यारा शेड है अभी। वंस अगेन ये ग्लॉस है नायका से ली थी मैंने, बीच में बहुत ज़्यादा ग्लॉस चल रही है एंड ग्लॉस अभी भी ट्रेंड में है, सो मैंने ये ली थी नायका की ग्लॉस इन द शेड 01 हनी बू। ऑलराइट सो आई हैव दिस लैक्मे फॉर एवर मैट अगेन इन दिस कलेक्शन, इट्स इन द शेड रेड रिवाइवल, सो ये बहुत ही प्रिटी रेड शेड है, अगेन इट्स मैट इट्स अफोर्डेबल। नेक्स्ट शेड है ये लैक्मे का एब्सोल्यूट मैट मेल लिक्विड लिप कलर इन द शेड पिंक पॉइजन 23, सो या दिस इज़ अ वेरी प्रिटी शेड अगेन, मैंने इसको ज़्यादा यूज़ नहीं किया। ऑलराइट सो ये जो लिपस्टिक है ये भी मैंने कॉलेज टाइम में लिया था, मैंने इसको ज़्यादा लगाया नहीं है, परफेक्ट मैट आता है पूरा, इतना प्रिटी मैट आता है ये इस शेड में आता है, और मैंने ज़्यादा लगाया नहीं, आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट यूजिंग इट। ओके सो ये जो नायका की लिपस्टिक है मैंने मम्मा के लिए ली थी, सो ये ऐसी दिखती है, ये लिपस्टिक मुझे मेरी बड़ी मम्मा ने दी थी, ये है लस्टर करके एंड ये इधर का ब्रांड नहीं आया गया, आई डोंट नो, सो खुल जाओ बेबी, ये ऐसी दिखती है एंड ये भी बहुत ही प्रिटी शेड। ओके अगेन ये मेरी मम्मा की लिपस्टिक है, और यहाँ पे क्या कर रही है मुझे नहीं पता, ये इस हॉट पिंक कलर में आती है जिसकी आप देख सकते हो, सो ये भी Maybelline की आई गेस, नहीं लैक्मे एब्सोल्यूट की मसाबा लिप्स मसाबा रेंज की है ये, एंड इट्स इन द शेड हॉट पिंक क्वीन एंड या। ओके सो ये भी मेलो करके ब्रांड था जिसके साथ मैंने कोलैब किया था, एंड इसकी भी लिप शेड ऐसी पीची न्यूडिश शेड में है अगेन, एंड ये मैंने यूज़ नहीं किया है, ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती क्योंकि सिमिलर शेड्स है ना मेरे पास, तो गाइज मैं एक शेड जब मुझे पसंद आता है तो मैं ऑब्सेस्ड हो जाती हूँ, मैं वही यूज़ कर रही होती हूँ। सो अभी राइट नाउ आई एम यूजिंग दिस शेड ओके एंड लिप ग्लॉस एंड दिस शेड एंड दिस शेड ओके। सो इसमें अभी निविया का लिप बाम है, ये भी निविया का लिप बाम है, बेबी लिप्स है Maybelline की, एंड ये ग्लॉसेस है कुछ जो मेरी मासी US से लाई थी मेरे लिए जो यहाँ पड़ी हुई हैं, एंड लैक्मे का ये एनरिच क्रियोन रेंज से एक दो तीन चार ऐसे लिप शेड्स हैं, ये प्राइमर है SFR कलर का प्राइमर है अगेन वो जो मैंने कोलैब किया था उसी से होगा ये, एंड ये ग्लिटर आई शेडो है अगेन इट्स लिपस्टिक एंड ये इसी शेड का होगा, और तो बस और कुछ नहीं है, यहाँ पे लैश कर्लर है एंड ये क्या कर रहा है वाओ कनिका। सो या इस डिब्बे में से तो यही निकला है ये सब कुछ, अब जैसे कि आप देख सकते हो ये यहाँ तक तो हो गया, ये मेरा मेकअप क्लीनर रिमूवर गार्नियर का एंड ये कॉटन बैग, ये मैंने इसलिए रख दिया क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट होता है। ऑलराइट गाइस सो ये जो आपको दिख रहा है ना ये मेरी मम्मा का बैंगल्स, एंड उसमें छोटा मोटा आप ज्वेलरी या मेकअप रख सकते हो,
ये पहले जमाने की वैनिटी है जो छोटी आपको मिलती थी, तो ये ना मैंने देखा एक बार ये दीवान में पड़ी हुई थी एंड इसका कुछ हो भी नहीं रहा था ना, इसका कोई यूज़ कर रहा था, तो मैंने सोचा करने का करते हैं इसका यूज़। सो मैंने ना इसमें अपनी जो पैलेट्स होती हैं वो रख दी एंड यार ऐसे मैंने रखी हुई है, आप जैसे देख सकते हो एकदम देसी लड़की आपकी। सो पहले तो इसमें एक मिरर है यहाँ पे, आपको दिख जाएगा इसमें मेरी शक्ल दिख जाएगी। एंड मैंने बन बनाया हूँ क्योंकि बहुत गर्मी है गाइज एंड मैं नहीं कर सकती क्योंकि एसी और पूरा फैन बंद होता है। ओके मैं आपको दिखाने वाली हूँ, बस ये मेरे हाथों पे ना गिरे, गिरा तो मेरे तो हाथों की बैंड बच जानी है। सो इसमें जो है सेफोरा के मस्कारा हैं एंड और क्या है इसमें, एल्फ का लाइनर है जो कि सूख चुका है बेचारा पड़ा हुआ है। ये मेरा शेविंग रेजर है, ये एप्लीकेटर है, ऐसे ही छोटी मोटी फालतू चीज़ें रखी हुई हैं। ये परफ्यूम है, ये बैंगल्स आई डोंट नो यहाँ पे क्या कर रही है, पड़ी हुई है तो रखी हुई है ठीक है। ये फिटमी का मेबिलिन फिटमी का लूज पाउडर है एंड इसके साथ छोटा सा ब्रश पड़ा हुआ है। ये मेरे बचपन के क्लिप्स हैं, आई डोंट नो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। ये ट्वीज़र है जो कि मैं अपने ब्राउज बनाने के लिए यूज़ करती हूँ एंड आई डोंट नो ये किया बॉडी लोशन क्या कर रहे हैं आप, आई डोंट नो ठीक है। सो इसको ना ऐसे उठाते हैं तो इसके नीचे भी खजाना निकलता है, पुराना खजाना कनिका शर्मा का। सो पहले जो पैलेट है ये है मेकअप रेवोल्यूशन की पैलेट एंड मुझे थोड़ी कलरफुल पैलेट चाहिए थी क्योंकि मेरे पास थी नहीं एंड मुझे ना लुक्स क्रिएट करने थे, मतलब थोड़ी कलाकारी दिखानी थी, क्रिएटिव हो, कनिका भी क्रिएटिव हो सकती है। सो ये मैंने लिया था बट ये इतनी ज़्यादा पिगमेंटेड नहीं है, कुछ कुछ शेड ना बहुत ही बकवास है और बाकी ये जो शेड हैं वो ओकेश हैं, मतलब सही पिगमेंट दे देते हैं। सो ये एक पैलेट थी। उसके बाद आते हैं निका के पे, ओ फिश, बस ये मेरे पे लग गया ना एक बारी तो मेरा यहीं पर मेकअप कलेक्शन बन जाएगा। ये है निका के की पैलेट शुगर प्लम, ये इतनी बॉम पैलेट है ना, इतनी अफोर्डेबल और इतनी बॉम है ना, इसके पिगमेंटेशन आप देखोगे इतना बढ़िया पिगमेंटेशन है। सो ये कुछ इस तरह की दिखती है, आप देख सकते हो यार कितनी प्रिटी है यार। सो दूसरा ये है आई गेस, हाँ सो ये थी मोका मिक्स, ये अगेन निका के पैलेट रेंज का ही है, इट्स अफोर्डेबल, इट्स पिगमेंटेड एंड आई जस्ट लव दीज पैलेट। जिसमें और भी शेड्स हैं वो भी बड़े बहुत बहुत अच्छे होंगे, मैंने अभी दो ही लिए थे। सो आपको इसको भी ओपन करके दिखा देती हूँ मैं, वन टू ये लो। सो ये न्यूड टोन में आ जाता है, ब्राउन शेड्स मिलेंगे इसमें, आप बहुत ही अच्छे अच्छे आई शैडो लुक्स बना सकते हो एंड ये बहुत ही प्रिटी पैलेट है गाइस। आप मेरी हालत तो देख ही सकते हो, गर्मियों में मैं शूट कर रही हूँ ठीक है। और मैं अब आपको ना जो पैलेट दिखाने वाली हूँ वो मैंने सबसे पहले जो मैंने ब्लश पैलेट ली थी वो थी। पहले तो ऐसा होता था यार एक पैलेट में इतने सारे शेड्स हैं यार मज़ा ही आ जाएगा, एंड वो जेनरली बहुत ही प्रिटी ब्लश पैलेट है, अगर आपको लेना है, आप बिगनर हो तो आप वो ले सकते हो। एंड मैं आपको अपनी फर्स्ट आई शेडो पैलेट भी दिखाती हूँ। और अगर आप अभी भी देख ही रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किया ना, मैं बता रही हूँ आपको ना पाप लगने वाला है, सो सब्सक्राइब करो यार, आगे और भी वीडियोस आने वाली है। और कमेंट में बताना आपको क्या वीडियोस चाहिए, सब्सक्राइब कर दो अभी ओके। और अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरी जो सबसे पहली पैलेट थी। तो ये दोनों पैलेट थी मेरी सबसे पहली पैलेट, तो ये जो है ना सिवाना की पैलेट है, ये अभी तक इतनी प्यारी पिगमेंटेड पैलेट है ना। एंड मैं आपको क्या बताऊँ, सिवाना मेकअप अकेडमी प्रोफेशनल द आर्टिस्टी पैलेट कलेक्शन एंड इट्स इन द शेड 30702, आई डोंट नो आइटम नंबर आपको दिख गया है। सो ये भी बहुत ही प्यारी पिगमेंटेड पैलेट है। ये थी दूसरी पैलेट, आप जैसे देख सकते हो इसकी हालत। एंड ये मेरी मासी ने दी थी मम्मा को, बट मेरे को ना मेकअप का बहुत शौक था तो मैं ना मम्मी से ले लेती थी। मम्मा ज़्यादा मेकअप नहीं करती मेरी, ना अब करती है ना पहले इतना करती थी, तो जो भी मासी मम्मी को मेकअप देती थी ना US से आते थे और वो देते थे तो मैं वो ले लेती थी। सो आप जैसे देख सकते हो इसमें सारे ग्लिटर शेड्स हैं, मैंने यूज़ करा है, मैंने मुझे अभी भी याद है मैं 9th 10th में यूज़ करती थी, मेकअप करती थी एंड वो इतना गंदा मेकअप करती थी, बट अब मैं बहुत अच्छा मेकअप करती हूँ। सो ये थी मेरी दो आई शेडो पैलेट जो मैंने बचपन में, एक तो ये मैंने खुद लिया और ये जो मुझे बचपन में मिली थी। और अब ये है जो पैलेट, ये ब्लश पैलेट है, ये मेरी पहली ब्लश पैलेट थी सिवाना कलर्स की, ये बहुत ही अच्छी गाइस, अगर आप बिगनर हो ना तो आप अभी भी ये ले सकते हो, इसमें इतने सारे शेड्स मिलेंगे, बहुत पिगमेंटेड है, बहुत ही अच्छी है एंड इट्स इन द शेड 03। मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ ये, अब एक हाथ से शूट करना एक हाथ से खोलना ना बहुत ही बड़ा टास्क होता है। सो या ये देखो कितना प्यारा न्यू टोन एंड ब्लशी टोन, मतलब क्या बोलूँ, मेरे मुंह पे जो वर्ड्स आ रहे हैं मैं बोल रही हूँ।
सो ये थी मेरी फर्स्ट बाय जो मैंने ब्लश में लिया था. एंड आई नो ये मैंने शायद पता नहीं कब लिया था, 11th में लिया था, आई डोंट नो कब लिया था. ये पड़ा हुआ है, मैंने फेंका नहीं क्योंकि मैं मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि जो मेरी फर्स्ट चीज़ मैंने ली है वो मैं फेंक दूँ. सो ये ऐसे पड़ा हुआ है. सो गाइज मैंने ना ये बच्ची कुची पैलेट निकाली और वहाँ पे वो देखो डुल गया पता नहीं क्या पंजाबी वर्ड बोल रही हूँ, बट वो गिर गया. ओके सो ये जो पैलेट है लोरा गोल्ड का, ये भी मम्मा को दिया था मासी ने और मैंने हाथ मार लिया क्योंकि मुझे मेकअप पसंद था और मम्मा मेकअप इतना यूज़ नहीं करते और ये मैग्नेटिक है सो ये मुझे खुल नहीं रहा है. वेट. सो फाइनली मुझे खुल गया. वहाँ पर आपको मेरी लॉकेट दिख रही होगी. हाय गाइस, सो ये था जो मैंने कभी इतना यूज़ नहीं किया, बट ये पिगमेंटेड है, इसका ग्लिटर शेड जो है बहुत पिगमेंटेड है. सो मैंने रखा है क्योंकि कभी कभी ना यूज़ में आ जाता है. सो ये एक पैलेट है. उसके बाद ये भी मासी ने मम्मा को दिया था और मैंने हाथ मार लिया. कितनी अच्छी गुंडी हूँ यार मैं. तो ये भी कलर मैक्स का बेग आई शेडो है, ओम्ब्रे कलर्स हैं इसमें सारे एंड ये बहुत ही प्यारा है. एंड ये पड़ा हुआ है मेरे पास, ये मेरी बड़ी मम्मा ने दिया था मुझे एंड ये अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है. ये ना एक्चुअली चीक्स के लिए है, जो एक तो ये शायद यूज़ कर लिया था बहुत ज़्यादा एंड ये बाकी भी पड़े हुए हैं, मैंने यूज़ नहीं किए ज़्यादा बट पड़े हुए हैं. देख रहे हो मैं कितना संभाल के रखती हूँ चीज़ें, सीख लो कुछ मेरे से. ओके सो ये लास्ट मुझे अगेन बीआर में मिला था. ये ना ब्लू टोन में आता है, अगर आपको दिख रहा हो ब्लू ग्लिटर लिक्विड आई शेडो में आता है, मीलियो का 5D वेट आई शेडो एंड ये बहुत ही वॉर्म लगता है बट ये बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेड है. तो मेरे ना मैंने जब इसके साथ मेकअप लुक किया था आईज़ पे इतना ज़्यादा वो कलर छोड़ गया था ना और वो बहुत मुश्किल से निकला था. सो गाइज यही था मेरा मेकअप कलेक्शन. होप सो अब आप रज गए हो, ठीक है. अब मेरे को कोई नहीं बोलेगा मेकअप कलेक्शन डालो क्योंकि मैंने सारा कुछ डाल दिया है. सो गाइज ये था मेरा मेकअप कलेक्शन, होप्स आपको पसंद आया हो. लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कर देना एंड आप देख सकते हो पसीने से मैं भीग चुकी हूँ क्योंकि फिल्मिंग के लिए एसी और फैन बंद करना पड़ता है. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, लाइक कमेंट शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में. बाय.